Thank you.
अच्छे इंसान थे, फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत योगदान दिया है, स्पेशली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, सपन जगमोहन और ऐसे बहुत सारे संगीतकारों डेफिनेटली म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी क्षति है। और मैं बताऊंगा कि काम ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो भी उन्होंने काम जो किया है, जितने भी गाने गाए हैं, वो एक एक गाना जो है वो एक हीरा की तरह चमक रहा है। उन्होंने बच्चन साहब के लिए भी गाए हैं, उन्होंने मिथुन जी के लिए भी गाए हैं, उन्होंने बहुत सारे सभी आर्टिस्टों के लिए अपनी आवाज़ दी है। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश मन्नाडे और उसके बाद मोहम्मद अज़ीज़ साहब को मैं उतना ही सैल्यूट करूँगा जो उन्होंने योगदान दिया है इंडस्ट्री को। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत बख्शे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बड़ी मैं यू नो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं देखता आया हूँ जब भी अज़ीज़ साहब जैसी शख्सियत या पहले एक ही एंगल साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चन साहब के लिए बहुत गाया जी, किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक ट्वीट भी करा जाए। Do you think it is very unfair? It is a really very unfair. मैं इसके बारे में सुनील जी से कहूँगा कि सुनील जी आप कहें प्लीज़ इसके बारे में। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ उगते हुए केवल चांद सितारे और सूरज को केवल लोग सलाम करते हैं, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री में लोगों को ये समझ में आ जाए कि किसी कलाकार की ज़रूरत हमें कम है, वहाँ पर उसे वो सम्मान नहीं दिया जाता जो सम्मान के हक के वो लायक है। मैं इस इंडस्ट्री से अपने माध्यम से और श्रवण भैया के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में इतनी सूझबूझ होनी चाहिए। आप हमारे समाज के लिए एक आइडियल हैं और हमारे समाज को आप एक जो है राह दिखाते हैं। अगर इस तरह का आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो आने वाला समाज हमारा कैसा होगा। हमें ऐसे मौके पर उपस्थित होकर उन्हें पूरी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपसे वापस बोलिए ना। हाँ बोलिए बोलिए। रब को याद करूँ हाँ जी, और
मर्द तांगे वाला हूँ, जी हाँ, बेहतरीन गाने वो भी बच्चन साहब के लिए, जी हाँ, बच्चन साहब जो हर बात में अपनी टिप्पणी बिल्कुल देते हैं, हाँ जी हाँ जी, ब्लॉग पे लिख देते हैं, वीडियो की बात करते हैं, हाँ जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जी हाँ, तो आज कहाँ सो गए वो, व्हाट डू यू थिंक इट इज वेरी अनफेयर अमिताभ बच्चन पार्ट। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है, बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर बच्चन साहब तक न्यूज़ पहुँची है तो वो डेफिनेटली ट्वीट रिएक्ट करते। मुझे लगता कोई कॉम्बिनेशन जो है वो गैप है आया है, और मैं डेफिनेटली इस बात के लिए बहुत नाराज़ और बहुत दुख व्यतीत करता हूँ कि सिर्फ बच्चन साहब ही नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री जो है, जिस जिस प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने, जिस जिस हीरो के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, उन सबको जो है श्रद्धांजलि मोहम्मद अजीज साहब को देनी चाहिए, और वो हकदार हैं इसके। आखिरी सवाल आपसे, जी कितना अजीब इत्तेफाक है जिसके वो हमेशा प्रशंसक रहे, जिनको देख के वो आए उन्हीं के साथ उसी कब्रिस्तान में, जी अरे ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे रफ़ी साहब जैसे, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे इतिहास बन चुके हैं, ऐसे ही हमारे मोहम्मद अजीज साहब भी इतिहास बन चुके हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी क्षति है शबीर साहब, बहुत बड़ी क्षति है साहब। 80 के दायके में उन्होंने अपना एक बहुत आला मुकाम बनाया है, और सुपर डुपर नगमे दिए उन्होंने जो सबके दिलों में बसे हुए हैं, और हज़ारों लाखों की तादाद चाहने वालों की है, और ये बेवक्त उनकी रुख्सती बहुत तकलीफ़ पहुँचा गई। शबीर जी मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूँगा, जिस वक्त जब भी कोई इंडस्ट्री से जाता है, मैं अजीज साहब की बात करूँ, एक बेहतरीन वक्त 80 का दशक, बच्चन साहब से लेकर अनिल कपूर तक सबके लिए उन्होंने गाया जी। बच्चन साहब की बात करूँ, हर बात पे अपनी राय व्यक्त करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, एक इतना बड़ा दिग्गज सिंगर आज दुनिया को अलविदा कह गया, क्या आपको लगता कि शालीनता के हिसाब से, कटसी कॉल के हिसाब से कुछ तो कहना चाहिए था, कुछ तो बोला, बात सिर्फ बच्चन की नहीं है पूरी इंडस्ट्री की? बेशक बेशक, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ये वक्त आना है, जो आया है उन्हें एक दिन जाना है, तो इस वक्त इंडस्ट्री को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है 80 से 90 के दशक तक, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस नाते वो हकदार हैं कि उनके लिए दो शब्द कुछ लिखें या कहें, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ अपने गीतों के ज़रिए बहुत कुछ दिया है, उनके सुपर डुपर नगमों के ज़रिए स्टारों की पहचान बनी है, तो उनका हक बनता है, क्योंकि सबका एक ना एक दिन आना है, तो ये सवाल हर बार उठेगा अगर ये जब भी हुआ तो, बस हम उनके आत्मा के लिए उनकी। ये कितना अजीब इत्तेफाक मानते हैं आप, रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे और आज वहीं उसी जगह जहाँ रफ़ी साहब ये वहीं उनकी अंतिम संस्कार होने जा रहा है? जी जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कल रात हॉस्पिटल में ये हम डिस्कशन कर रहे थे, भाभी जी भी बैठी थी सब लोग के, काश हम कोशिश करेंगे कि साहब के, रफ़ी साहब के कब्रिस्तान में, रफ़ी साहब के करीब ही उनको जगह मिले, तो उनका ये आखिरी सफ़र बड़ा सुकून दे गुजरेगा। थैंक यू शबीर साहब, थैंक यू सो मच।